नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। करण जौहर ने हाल ही में उस दौर की बात की जब उनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ नेगेटिव लिखा जा रहा था। करण ने बताया कि इन सभी खबरों और पोस्ट से उनकी मां हीरू जौहर पर बहुत असर पड़ा था, पर वो मजबूती से उनके साथ खड़ी थी। करण ने यह भी कहा कि उस दौर में उन्हें मूवी माफिया के तौर पर पेश किया गया, यह वो शब्द है जिसे अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके लिए यूज़ करती है। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा, बीते 3 साल में मुझे लोगों से ढेर सारी नफरत मिली है और इससे ना सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरी माँ पर भी असर डाला है। मैंने उन्हें दुखी होते हुए देखा क्योंकि वो टीवी चैनल देखती थी। वो ऑनलाइन भी मेरे लिए चल रही नेगेटिव बातों को सुनकर अक्सर दुखी हो जाया करती थी। वो टीवी एंकर्स को चिखते चिल्लाते और किसी वजह से मुझे राक्षस बनाते हुए देख रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे भी लोग थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही लिख रहे थे। उस दौर में मुझे अपने और मेरी माँ के लिए स्ट्रांग रहना पड़ा। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि अब तो सबने मेरे कपड़े ही उतार दिए हैं, अब क्या छुपाना, किससे लड़ना। हर कोई मेरी लाइफ में अचानक आकर अपने हिसाब से धारणा बना रहा था। वो जानते भी नहीं थे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।